हेलो माय डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड क्लास 12 साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का आज के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से ये मेल और कमेंट्स आ रहे थे कि सर सिर्फ आप वीडियो बनाते हैं सीबीएसई वालों के लिए, बट बिलीव मी आज से मैं 4-5 एपिसोड बनाऊंगा फिजिक्स के लिए। और जो स्टूडेंट ने अभी तक पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं की है, इस 5-6 एपिसोड्स को देखकर आप फिजिक्स के पेपर में काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और अगर आप लोगों ने कोई भी क्लासेस नहीं ली है और इस कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास को अटेंड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बिहार के अंदर में बहुत सारी जगहों पे नेट की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है और ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है, बट ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, बिलीव मी अगर आप इस 4-5 वीडियो को सही तरीके से देख लेते हो तो आपके फिजिक्स में क्लास 12th में काफी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और ये जो हमारा 4-5 एपिसोड होगा मेनली डेडिकेटेड है बिहार बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद मैं लवजीत सीरीज के नाम से 4-5 एपिसोड बनाऊंगा फिजिक्स का, आप उसको बार बार देखिएगा। पेपर से पहले जो हमारा 1 फरवरी को पेपर होगा उसमें बहुत सारा हेल्प मिलेगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद, ओके। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले ये सीखेंगे कि हमारा जो है मार्किंग पैटर्न क्या है। तो आप लोगों के पास में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होगी जो बिहार बोर्ड के अंदर में चलती है। तो सबसे पहले देखिए हमारा चैप्टर्स के नाम क्या है। मैंने बोर्ड पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और हिंदी मीडियम वालों के लिए, दोनों मीडियम वालों के लिए मैंने बोर्ड पे चैप्टर्स के नाम लिख रखे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थिर विद्युतकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अस्थिर विद्युतकी कहा जाता है, क्लियर है। सेकेंड चैप्टर हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में इसे धारा विद्युत कहा जाता है, क्लियर है। थर्ड चैप्टर जो हमारा है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, और हिंदी में इसे कहा जाता है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा पर्यावर्ती धारा। फोर्थ चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, हिंदी में इसको बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा पर्यावर्ती धारा। फिफ्थ चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसका हिंदी में नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट चैप्टर है ऑप्टिक्स, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रकाशिकी। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इसे हिंदी में कहा जाता है द्रव्य और द्रव प्रकृति। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, हिंदी में कहा जाता है परमाणु तथा नाभिक। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसे हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिकेशन सिस्टम, इसे हिंदी में संचार व्यवस्था कहा जाता है। आई होप इंग्लिश मीडियम वाले को और हिंदी मीडियम वाले को दोनों को ये समझ में आ गया होगा हमारे चैप्टर क्या क्या हैं और आप लोगों को मालूम भी होगा, ठीक है। अब हम ये डिस्कस करेंगे ये जो मैंने पार्ट, टोटल तो चैप्टर हमारे 10 हैं, ठीक है, लेकिन जो मैंने 10 पार्ट बना के लिखा है, बिहार बोर्ड में जो फिजिक्स का पेपर आएगा उसमें इसी के अकॉर्डिंग मार्किंग स्कीम होगी। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके अंदर में दो चैप्टर आते हैं, एक का नाम है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस और दूसरे का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। दोनों चैप्टर को मिला के हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हिंदी बोलते हैं अस्थिर विद्युतकी। याद रखिएगा जो हमारा इसमें से क्वेश्चन आएगा वो आएगा 8 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स। अस्थिर विद्युतकी से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 8 मार्क्स का सवाल पूछे जाएंगे। फिर जो हमारा सेकेंड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत, इससे जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 7 मार्क्स के, इतने मार्क्स से पूछे जाएंगे 7 मार्क्स के। जो हमारा थर्ड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इससे पूछे जाएंगे 8 मार्क्स के क्वेश्चन।
कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 8 मार्क्स से। नेक्स्ट हमारा है ईएमआई एंड एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, हिंदी में क्या नाम है इसका? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा परिवर्ती धारा। इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे वो 8 मार्क्स के पूछे जाएंगे। क्लियर है? 8 मार्क्स से सवाल पूछे जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इससे जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। और जो नेक्स्ट है ऑप्टिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स में, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है क्योंकि इससे 14 अंक के सवाल पूछे जाएंगे, 14 मार्क्स के, ठीक है, 14 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। ऑप्टिक्स के अंदर में दो पार्ट होता है, एक को बोलते हैं रे ऑप्टिक्स और दूसरे को बोलते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स। दोनों पार्ट को मिला के 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इससे हमारे पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इससे हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो पूछे जाएंगे हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे? 6 मार्क्स के। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हिंदी में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इससे पूछे जाएंगे 7 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है लास्ट पार्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं संचार व्यवस्था, इससे पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये पता लग गया होगा कि कौन से पार्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे ज्यादा कौन से पार्ट से आने वाले हैं? ऑप्टिक्स, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी, प्रकाशिकी से 14 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? अब देखो जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से 30 नंबर जो होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं और 70 नंबर क्या होता है? थ्योरी का होता है। जो आप 1 फरवरी को पेपर दोगे उसमें जो पेपर जो टोटल नंबर उसमें होगा, टोटल जो हमारा क्या नाम है आपका मार्क्स आएगा वो आएगा 70 मार्क्स के पेपर पूछे जाएंगे। तो सबसे ज्यादा किस पर फोकस करना हम लोगों को? ऑप्टिक्स पे। तो जो मैं एपिसोड बनाऊंगा जिसको मैंने लवजी सीरीज का नाम दिया है, उस एपिसोड में ये सारे कंसेप्ट को, ये सारे मार्किंग स्कीम को देखते हुए और प्रीवियस ईयर में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जो गए हैं उसके आधार पर मैं सारा वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिससे आपका आने वाले एग्जाम में काफी फायदा होगा। क्लियर है? तो आप लोगों को यह समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को लिखना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहां पे साइड लिया था। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि मार्किंग स्कीम क्या है, कौन से चैप्टर से कितने अंक के सवाल पूछे जाएंगे। इस बार देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या होगी वो 70 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 35 क्वेश्चंस ही करने हैं। तो इस बार पेपर थोड़ा आसान हो गया आप लोगों के लिए, नंबर ऑफ चॉइस ज्यादा हो गई। अब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन पे, मींस लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चंस पे, ये पूछे जाएंगे 20 प्रश्न में से आपको केवल करने हैं 10, ओनली 10 क्वेश्चंस का ही रिप्लाई आपको लिखना है, मींस हर क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। कितना हो गया ये? 20 मार्क्स। उसके बाद जो हमारा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, मींस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये होंगे 6 टोटल। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा उसकी संख्या होगी 6, आपको रिप्लाई करने होंगे 3। एक क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, मींस 5 × 3 = कितना होगा? 15। तो यहां से आप देखो टोटल कितना मार्क्स हो गया, ये 70 मार्क्स का पेपर हो गया। इसमें से 35 मार्क्स जो हमारा है वो ऑब्जेक्टिव होगा और ये दोनों को मिला के जो हमारा ये दोनों होगा सब्जेक्टिव, ये हमारा दोनों क्या होगा? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मार्क्स भी 35 मार्क्स के होंगे और ऑब्जेक्टिव भी 35 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और जो 30 मार्क्स के आपके होंगे वो आप लोगों को प्रैक्टिकल से मिलेंगे, ठीक है। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर जो कि 1 फरवरी को होने वाला है। आई होप समझ में आ गया होगा। मेन मोटिव ये आप लोगों को समझाने का, इस बार जो चॉइस होगी वो ज्यादा होगी, 70 क्वेश्चन में से 35 करने होंगे ऑब्जेक्टिव में और इसमें से 20 में से ओनली 10 और लॉन्ग वाले में 6 में से ओनली 3, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यह बताने की कोशिश की कि जो हमारा आज हो गई, हमारी कितनी तारीख हो गई? 17th of January हो गई। जो 12, 13, 14 दिन बच रहा है इसमें हम 5 से 6 लेक्चर बनाएंगे 26 जनवरी से पहले पहले। आप लोग अगर इस एपिसोड को एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड जो मैं बनाऊंगा 5 या 6 तक अगर इसको कवर कर लेते हो तो बिलीव मी
आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने वाले हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। आपको एक शेयर करने से किसी स्टूडेंट्स को अगर फायदा हो जाता है तो हमें उस स्टूडेंट से दुआ मिलती रहेगी और मैं यही चाहता हूं। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द एपिसोड नंबर 1 में। कल के लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।